दोस्तों, मैं घर पे आ गई हूँ और लाला जी लाए हैं छोटी मछली, तो मैं आपको दिखा देती हूँ छोटी मछली कैसे बनता है गांव में। तो आ जाइए मेरे साथ दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को कहना है कि आपके बाबूजी नहीं खाते हैं मांस मछली मीट, तो आप कैसे खाते हैं? तो हमारे बाबूजी इतने अच्छे हैं, जो लोग खाते हैं उनको मना नहीं करते हैं, बस वो बोलते हैं कि हमारा लोटा छिपा, हमारा बर्तन साफ से साफ करके तब देना हमको, तो इतना हम लोगों को फायदा है। तो देखिए दोस्तों, लाला जी हमारे लिए मछली लेके आए हैं। ये है बचवा मछली। बचवा मछली बड़ा सुंदर भैया जी, घर से कितना राखी दे दो, राखी राखी। तो दोस्तों देखिए, ये जो मछली है मैं आपको अपने सासू माँ से बनाने का तरीका बताऊंगी। मेरी सासू माँ बनाएगी ये मछली और आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे बनता है गांव में मछली। बहुत ही ज़बरदस्त बनाती हैं। तो मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरी सासू माँ कर देगी, बहुत ही अच्छी मेरी सासू माँ है, चचिया सास है हमारी, लेकिन हम सासू माँ से मेरे कम नहीं है। आज हमारे लिए मछली बनाएगी हमारी सासू माँ और आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। शायद ही आप ऐसा देखे होंगे कि बहू के लिए सास बनाती है मछली, लेकिन इस वीडियो में देखिएगा कि बहू के लिए सास बनाएगी मछली। अब बढ़िया तेज सही है, अब बढ़िया तेज बनाए के बाद खूब तो हम धो मारी देते हैं, आप ये बनाइए। देखिए दोस्तों, कहता है कहता नहीं कि हम धो मच के दे दे, तू बना लीजिए। इनार में डाल दो, इनार में डाल, इनार में डाल दो, आराम से डाली जाओ, आराम से रुक जा, अब छोड़ दे, अब वही में रही, ओकर घर हो गई। हाँ ओकर घर हो गई, ठीक है दादी, राख डाले हो? हाँ बिजली रखे दिन में हुई। सिंगी अच्छा अच्छा जी, हाँ सिंगी भी यहाँ दे को राख में लपेट लपेट के तब साफ कर रही है। तो देखिए ये यहाँ से इसका पूरा ये काट दे रही है मेरी चाची सास, यहाँ से और यहाँ से इसका थोड़ा सा ये काट के और इसका गंदगी निकाल के और पूछ वूछ भी काट के फिर साफ करके तब धोएंगी। मैं आपको दिखा दूंगी पूरे वीडियो में कैसे धो रही हैं। तो आइए इसके लिए मैं मसाला बता देती हूँ कि क्या क्या डलेगा इसमें, क्या क्या मसाला डालेंगे। अपने जीरा मिर्च सरसों पड़ेगा, लहसुन पड़ेगा, लहसुन जीरा मिर्च सरसों ये कुल पिसाई आलू का ज़्यादा नहीं, मसाला पिसवा देवे। हाँ पूरा मन तो लहसुन चाहिए, लहसुन ज़्यादा ना, लहसुन सरसों और जीरा मरीच सूखा मरीचा। दोस्तों बोल रही हैं कि लहसुन इसमें ज़्यादा पड़ेगा, लहसुन सरसों धनिया जीरा मरीच और मिर्चा पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो मेरी देवरानी को जा रही हूँ बोलने पीसने के लिए। मेरा तबीयत ठीक रहता तो मैं ही बनाती, लेकिन अच्छा उसे कोनो बात नहीं थे, लेकिन मेरी जो सास है ना वो मेरा हेल्प कर देती हैं, बहुत ही अच्छी सास है। अरे का ना करो को तो काले को तो संजे आटा से हम कोन जे का तो हम कोन ने जो कोई तो हम सान ना देती है। हां ये हम सान दे बात है, आटा तो सान दे जे के लखी ना जे उमे आटा सकल बा बर्तन में। हां दोस्तों मेरे सास ना जो आटा सानती है ना बहुत बढ़िया फूला फूला रोटी बनता है, मैं आपको कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी, बहुत ही गेंदा के जैसे फूला फूला रोटी बनता है। तो रोवा लोग के बनाए के तरीके अलग रहता है, अब के लोग तो गुटिया देता है, गुटिया के हम ही गुटिया देने हमारे से ना उपाय ना तो गुटिया देने सनले के ऊपर रखा होला। हां वही आपको हम मसाला पीस के दिखाते हैं। तो दोस्तों बहुत मच्छर लग रहे हैं, तो ये हम कार्टून जला लेते हैं अपने सासू माँ के लिए। अरे बाप रे हाथ जल जाई, हदो हदो फूक मार दो सुन रुक जाई। तो ये अंडा का ट्रे है, इसको जला के और रख देते हैं
इससे मच्छर नहीं लगेंगे और मेरी सासु माँ का मच्छर नहीं काटेगा। बूतते नहीं खे जी जमीन पे कर देते हैं। ये अंडा का ट्रे है, मच्छर नहीं का लगेगा। बहुत बढ़िया जगह। ये देसी नुस्खा है और शाम का समय हो गया इसलिए मच्छर लग रहे हैं, तो मैं मसाला फटाफट पिसवा देती हूँ। आइए बच्चे देखा दिया बच्चे तो देखिए दोस्तों मसाला हम पीस लेते हैं। तो देखिए सरसों है, धनिया है, हल्दी है और मिर्चा है। हम लेंगे लहसुन, देखिए घर का लहसुन है, खेत में उगाया हुआ था वही लहसुन है। लहसुन एक गांठ को हम छील के और डाल देंगे इसी में और सभी को पीस लेंगे। और साथ में हम जीरा और मिर्च भी पीसेंगे। मन नहीं कर पीसे के, लेकिन वो रोटी बना रही है, पराठा बना रही है। चकुया दो लहसुन छील ली। कोई नहीं, हटो मैं पीस रही हूँ ना। पीस रही थी। हटो हटो जल्दी हटो, फिर तो मैं हट जाती हूँ। मसाला मेरी बेटी पीस देगी बोल रही है। पीस रही दोस्तों, मेरी नंद पीस रही है मसाला, बोल रही है कि मैं पीस रही हूँ। और हमारे घर में आलू का पराठा बन रहा है बाबूजी के लिए, अम्मा जी के लिए। बाबूजी हम और अम्मा जी हमारा नहीं खाते हैं ये सब। बाबूजी नहीं खाते हैं, अम्मा जी खाती हैं। क्या ना खाते हैं? हमारी नंद भी नहीं खाती है, तो बचपन से ना खाने हम। अच्छा हाँ, तब के ऊपर ना खोले रहे ना, तो बचपन से ना खाई ना। आप ही बनाओगे खाना? हाँ, ताकि चाची नहीं के समय। अच्छा, कोई भी नहीं है? बाहर दिया है। अच्छा, कहाँ गए? दिल्ली भी है ना। तो सबसे सब यहाँ पे कोई नहीं है? हाँ, अकेले बनी है ला अमित बारोन। अच्छा हाँ, चाचा से तो बस बस भी मिली देखा था। हाँ, मगर सरसों का तेल डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, ऐसे अच्छे से मिला के और फ्राई करेंगे। दे बाबू चलो नहीं ले आओ जल्दी। काला सरसों
मसाला रेडी पापा। अब टमाटर और धनिया डाल देगा कुछ। हाँ धनिया पता डाल देंगे, टमाटर छोड़। पानी डाल देते हैं इसमें मसाला के बर्तन को धोते हुए। मछली डाल देते हैं और इसमें मसाला है, इसमें भी थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं और इसको भी इसी में हम डाल देते हैं। और जब इसमें हल्दी लगाया गया था तब इसमें हमने नमक डाला था, इसे थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इसको हम ढक के चूल्हा हमका लाभ थोड़ा सा कम कर देंगे बिल्कुल, और इसको पका देंगे। आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं, पूरी वाला भी बना सकते हैं। वो पक जाए छोड़ देंगे, वही भी पक जाए, मत अच्छा लगा है, ढक दिखा ली। दोस्तों मछली बनकर हो गया तैयार, अब मैं चलती हूँ घर पे। धनिया डालना, धनिया पत्ता डाल देते हैं इस पर। अब इसी आग से बन जाएगा ये। तो मैं खिलाने वाली हूँ बच्चों को रोटी। ये तो मछली के लिए मम्मी। ये एक गो। अरे रोहे दो बात कहाँ भाई। अरे ना भाई और हाँ कोई नहीं ले जाओ दादी। तो काम कहते 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 बजे तो हमने कहती हूँ कुछ ना लाइए गो हम बनी तो अब लेने का हम इतना खालों तो उनका खाते को भी अलग को उसी को भोजन को लेकर बाहर का खाते मतलब सब निकल दी ना थोड़ा ही अच्छा लगेगा। कोई पतीला में रोटी रखना। कैसा बना है गोल्डी? अच्छा बना है। हम लोग मछली खा रहे हैं, दादाजी सब्जी खा रहे हैं। ये हमारे दोस्त लोग भी।